हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। रश्मि फूड हाउस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फुलौरी कढ़ी की फुलौरी रेसिपी। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फुलौरी ले लिया है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ पर हमें हींग चाहिए, लहसुन चाहिए कटी हुई दो, दो कटी हुई हरी मिर्च, कढ़ी लीव्स और ये हींग है, नमक। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम छाछ लिया है, मठा मही। खड़े मसालों में हमें जीरा चाहिए, सौंफ चाहिए, सरसों दाना चाहिए, हल्दी पाउडर चाहिए, लाल पिसी मिर्च चाहिए और ये धनिया पाउडर चाहिए। और यहाँ पर कढ़ी की लगाने के लिए हमने सूखा बेसन ले लिया है 1 टेबल स्पून। बनाना स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो ये बेसन लिया है, इसका हम स्मूथ बैटर बनाएंगे कढ़ी लगाने के लिए। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें पतला बैटर बनाना। इस तरीके की कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर तेल लिया है और मैं तेल गरम हो गया हमारा। अब इसमें मैं डालूंगी ये लहसुन की कलियाँ। इस तरीके पर मैं डालूंगी आधी चम्मच से भी कम ये मेथी दाने, आधी चम्मच ये सरसों दाने, एक पिंच सौंफ, एक पिंच ये जीरा और इन्हें अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। लाल डालूंगी ये हरी मिर्च और ये कढ़ी लीव, ये देखिए इस तरीके से। और यहीं पे मेरे को डालना है ये एक पिंच हींग, इस तरीके से आप डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से भून लेना है। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। ये फुलौरी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये 2 चम्मच नमक हमें इस तरीके से डाल देना है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर जो ये मठा लिया था छाछ, इसे हमें इस पर डाल देना है इस तरीके से। ये फ्रेंड हमने छाछ इस पर डाल दिया है। अब हमने जो ये बेसन का बैटर तैयार किया था उसे भी इस तरीके से हमें इस पर डाल देना है, ये देखिए। और अच्छी तरीके से हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और चलाते जाना है। अभी मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी क्योंकि हमारे जो छाछ है वो खट्टा है। अगर आपका छाछ खट्टा नहीं है तो आप उसके हिसाब से इस पर पानी ऐड करें। ये देखिए अब मैं इस पर पानी ऐड कर दूंगी 1 से 1.5 गिलास, ये देखिए। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से चला के और कढ़ी को पका लेना है। उसके बाद ही हम इस पर फुलौरी डालेंगे जो हमने बनाई है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। कढ़ी हमारी पक जाएगी 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी हमारी अच्छी तरीके से पक गई है। अब हमने जो ये फुलौरी बनाई है इसे इस पर एक एक कर कर डाल देंगे इस तरीके से और 2 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पर ये डाल देंगे हरी कटी हुई बारीक धनिया, इससे हमारा फ्लेवर और कलर दोनों बहुत अच्छा आता है, ये देखिए। और हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ी को अपने निकाल लेंगे एक बाउल पे। तो देखिए फ्रेंड, झटपट से बनकर तैयार है ये हमारी फुलौरी कढ़ी रेसिपी। अब इसे आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी आसान सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।